आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। लॉकडाउन के कारण बाबा बैसुकीनाथ धाम में ठहरे शरणार्थियों के सामने भोजन को लेकर काफी दिक्कतें हो गई हैं। आपको मालूम हो कि बाबा बैसुकीनाथ धाम मंदिर प्रांगण में प्रत्येक साल सैकड़ों की संख्या में मुरादे मांगने के लिए धरनार्थियों का जत्था बाबा के दरबार में धरना दिए रहता है। धरनार्थी तब तक धरने पर रहते हैं जब तक बाबा बैसुकीनाथ उनकी मुरादे पूरी नहीं कर देते। लॉकडाउन के कारण मंदिर का कपाट आम भक्तों के लिए बंद कर दिया गया है, जिसके कारण न भक्त आते हैं और न ही धरनार्थियों को खाना पीना मिल पाता है। धरनार्थियों की परेशानी को देखते हुए स्थानीय समाज सेवियों के सहयोग से धरनार्थियों के बीच खीर का वितरण कराया गया। लॉकडाउन की वजह से और गाड़ियों का आवागमन बंद होने के कारण धरनार्थियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन ने उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब कर दी है। इस कठिन वक्त में दुमका से आए श्रद्धालुओं के द्वारा धरनार्थियों के बीच खीर का वितरण किया गया। साथ ही श्रद्धालुओं ने स्थानीय युवकों से भी आग्रह किया कि वे बाबा के दरबार में बैठे धरनार्थियों के भोजन पानी को लेकर मदद करने के लिए आगे आए और उनकी मदद करें।